Hello students, this is my second lecture video and today's topic is Lord Canning as a Viceroy. In my previous lecture video, you have studied about the power transfer from company to crown. कि किस तरह से 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत के सभी पावर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ला दिए गए थे। आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ये भी देखा कि जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1858 में एक्ट पारित हुआ और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के स्थान पे अब भारतीय मामलों के लिए लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव का एक पोस्ट नया बनाया गया और उसका ऑफिस यानी कि इंडिया ऑफिस, जिसे भारत सचिवालय बोला जाता था, ये लंदन में स्थित किया गया, जिसमें उसको असिस्ट करते थे 15 सदस्य, 15 मेंबर। एंड भारत में अब जो ब्रिटेन की महारानी है वो भारत साम्राज्य के रूप में रहेंगी, मतलब भारतीय मामलों में वो सर्वे सर्वा मानी जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण चेंज हुआ था वो ये कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है वो अब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे एज अ वॉइसराय। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइसराय, हु वाज द वॉइसराय। सो वॉइसराय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है वो होगा वॉइसराय। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि चूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत में गवर्नर जनरल थे, तो उस समय जब एक्ट पारित हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो ये हो गए लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि उसी समय वहीं पर एक्ट से उस पोस्ट को मर्ज कर दिया गया, किसमें? वॉइसराय के पोस्ट में। तो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसराय, ये दोनों कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि उस समय एक्ट जब पास हुआ तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे। ओके, तो आज का जो ये टॉपिक है ये उन्हीं लॉर्ड कैनिंग के बारे में है कि एज अ वॉइसराय उनके टेन्योर, उनके वर्क पीरियड में कौन कौन से जो काम थे वो हुए थे, क्या क्या एक्ट पास हुआ था, कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जो घटित हुई थी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लॉर्ड कैनिंग थे कौन, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड कैनिंग हम देखेंगे कि हु वॉज लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो उनका पूरा जो नाम था वो था चार्ल्स जॉन कैनिंग और वो पहले अर्ल थे, ठीक है। एंड ही वॉज इंग्लिश स्टेटमैन हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लेटर बिकम द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ आप तो पढ़ चुके हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट एंड फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया थे। ओके, कब? जबकि पावर ट्रांसफर हुआ था, कब, किसके हाथ से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन की तरफ। कब? आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि किस एक्ट में लॉर्ड कैनिंग एज द फर्स्ट वॉइसराय बने, 1858 के एक्ट में। क्लियर, अब चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग बोर्न ऑन 14th दिसंबर 1812 एट ब्रॉम्पटन नियर लंदन। ओके, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। एंड ही वॉज एजुकेटेड एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड वेयर ही ग्रेजुएटेड बीए इन 1833 एज फर्स्ट क्लास इन क्लासिक एंड सेकेंड क्लास इन मैथमेटिक्स। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन दो यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सो यू हैव जस्ट लर्न आर कीप रिमेम्बरिंग इन योर मेमोरी दैट हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन, ओके, रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री,
क्योंकि देखिए हिस्ट्री के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको सारी जानकारी रखनी पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो क्या था उनका कि क्राइस्ट चर्च से वो एजुकेटेड थे, ऑक्सफोर्ड से, एंड उन्होंने ग्रेजुएट किया था बीए में 1833 में, और फर्स्ट क्लास वो क्लासिक सब्जेक्ट में पास हुए थे और सेकंड क्लास थे मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स में वो सेकंड नंबर पे आए थे। ही एंटर्ड पार्लियामेंट इन 1836, उन्होंने 1836 में पार्लियामेंट ज्वाइन किया था। यहाँ देखिए एक चीज़ आपने गौर किया होगा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपके ये पॉइंट्स हैं ये पैराग्राफ ना हो करके मैंने पूरे पॉइंट में लिखे हैं आपके लिए नोट्स, सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन लर्न ईजीली, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कोई बनता है जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 14 दिसंबर को 1812 में, एंड व्हेन ही ज्वाइन पार्लियामेंट इन 1836, ओके, व्हेन ही बिकम ग्रेजुएट 1833। तो ईच एंड एवरी लाइन में आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से लर्न करने के लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। सो नाउ थर्ड पॉइंट, ही एंटर्ड पार्लियामेंट इन 1836 एंड साइडिंग विद द कंजर्वेटिव फैक्शन इन द हाउस ऑफ द कॉमन, ओके, और इन 1837 ही एंटर्ड द हाउस ऑफ लॉर्ड, 1837 में वो हाउस ऑफ लॉर्ड में, हाउस ऑफ लॉर्ड को ज्वाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि ही हेल्ड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सच एज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वुड एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे पोस्ट उन्होंने संभाले थे। ये ब्रिटेन की बात हो रही है, देखिए इंडिया की नहीं, अभी वो ब्रिटेन में ही थे तभी हम उनका परिचय देख रहे हैं, फिर वो वहाँ से इंडिया आते हैं और यहाँ पर एज अ गवर्नर जनरल उन्होंने वर्क किया था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये हेल्ड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, बहुत सारे प्रशासनिक पोस्ट उन्होंने अपने हाथ में रखे, जैसे कि उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का काम उन्होंने संभाला, एंड पहले कमिश्नर बने थे वो वन विभाग में, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग वॉज सर्विंग एज द पोस्ट मास्टर जनरल व्हेन इन जुलाई 1855, ओके, लॉर्ड डलहौजी डिपार्चर हैड ओपेंड अप द वैकेंसीज ऑफ गवर्नर जनरलशिप इन इंडिया। जब लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ गवर्नर जनरल के लिए वैकेंसीज की बात की, तब क्या थे लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग सर्विस में थे किस चीज़ के? एज द पोस्ट मास्टर गवर्नर, ओके, कब? 1855 में। देखिए कैसे क्रम संख्या एक एक करके आ रहा है। तो वो जब गवर्नर जनरलशिप की वैकेंसी निकली तो एज अ पोस्ट मास्टर जनरल थे। नेक्स्ट, द न्यू गवर्नर सेल्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन दिसंबर 1855 एंड एंटर्ड अपॉन द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस इन इंडिया एट द क्लोज ऑफ फरवरी 1856, ओके। नए गवर्नर जो थे वो भारत की तरफ आते हैं एंड दिसंबर 1855 में एंटर्ड करते हैं ड्यूटी के लिए उनके ऑफिस में, कब? इंडिया एट द क्लोज ऑफ फरवरी के अंत में 1856 में। टेकिंग चार्ज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी इन इंडिया, वन ऑफ हिज फर्स्ट एक्ट वॉज टू पास द हिंदू वीडो एक्ट, देखो हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट। मैंने आप लोगों को जब ये पढ़ाया था क्लास में कि किस तरह से यहाँ पुनर्जागरण यानी रेनेसां इन इंडिया हुआ था, तो कई एक्ट उस समय पास हुए थे, जैसे कि सती सिस्टम जो था वो एबॉलिश किया गया था। इसी तरीके से उस समय हिंदू वीडो रीमैरिज जो एक्ट था वो 1856 में पास किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिएगा कि जब उन्होंने चार्ज लिया था अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव का, जब उन्होंने प्रशासन को संभाला था लॉर्ड कैनिंग ने, तो उस समय एक एक्ट पारित हुआ था जिसके लिए बहुत प्रयास चल रहा था ईश्वरचंद विद्यासागर की तरफ से। एंड यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी जो नोट कर लीजिएगा कि पहली बार 1856 में जब ये एक्ट पास हुआ था तो पहली बार जो विधवा पुनर्विवाह हुआ ये ईश्वरचंद विद्यासागर के लीड में 7 दिसंबर 1856 में,
ठीक है, 1856 में हुआ था। देखिए पास कब हुआ था एक्ट, जुलाई 16, 1856। एंड पहली जो शादी हुई, पहली जो विधवा का विवाह हुआ पहली बार, वो हुआ था 7 दिसंबर 1856 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट, यू कैन नोट इट। एंड जैसा मैं आप लोग को पहले भी बता रही हूँ कि इस लेक्चर वीडियो के एंड ये जो नोट्स आपके सामने रखे गए हैं, इसका सिर्फ एक मोटिव है कि आप इस नोट को अपनी कॉपी में अपने नोट्स बनाइए, साथ में इसको मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ सो दैट आप इजीली इसको समझिए एंड खुद के नोट्स बनाइए, अच्छे से लर्न करिए एंड जो भी पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ उनको आप नोट करते चलिए। तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि जब उन्होंने अपना चार्ज संभाला, ड्यूटी संभाली, तो कौन सा एक्ट उन्होंने पारित किया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। कब पारित हुआ, 16 जुलाई 1856। पहली बार विधवा पुनर्विवाह इस एक्ट के पारित होने के बाद कब हुआ, 7 दिसंबर 1856। किसकी अगुवाई में, किसके लीडरशिप में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इंडिया में जो विधवाओं की स्थिति थी उसके सुधार में। यहाँ देखिए इंडिया में हिंदू विडोज रीमैरिज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी दे दूँ। देखिए उस समय क्या था कि कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो आखिर क्यों विडो रीमैरिज की ज़रूरत पड़ी, ये पुनर्जागरण काल में आप पहले से पढ़ चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूँ। क्योंकि देखिए जब क्या होता है, विधवा कौन होते हैं, विडोज कौन होते हैं, वह स्त्री, वह विवाहिता स्त्री जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है यानी मर चुका है, तो वह कहलाती है विधवा यानी विडो। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है विडो रीमैरिज की, क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी की व्यवस्था थी वो बहुत ही टफ थी विडोज़ के लिए, उनके बाल मुंडा दिए जाते थे, उनको एक अलग कमरे में रहने को दिया जाता था, उनके खान पान पर प्रतिबंध था, वह किसी के सामने नहीं जा सकती थी, किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकती थी, मीन्स कि कोई भी अगर शुभ काम हो रहा है लाइक मैरिज है, किसी की न्यू बोर्न बेबी है, तो उसके सामने नहीं जाते थे क्योंकि उनको बैड लक माना जाता था उनका सामने पड़ना, ठीक है। और साथ में उनके फूड पे भी, मतलब वो जो कंज्यूम करें, जो खा पी रही हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई थी। और इसके जस्ट पहले जो सती सिस्टम था वो तो और भी भयानक था, वो सती सिस्टम एबॉलिश किया गया था 1829 में, एंड फिर उसके बाद 1856 में एक एक्ट के द्वारा ये विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति भी समाज में दिलवाने की कोशिश की गई थी, एंड जिसमें सफल रहे लोग, प्रयास सफल था, एंड किसने पारित किया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में, किसके प्रशासन काल में था, लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अब एज अ वॉइस राय कौन कौन से वर्क होते हैं। तो देखिए एज अ वॉइस राय में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ही टुक द चार्ज एज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 28 फरवरी 1856। 1855 में वो इंडिया आते हैं एंड 28 फरवरी 1856 में वो गवर्नर जनरल का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास्ड टू दिस इफेक्ट एंड दिस एक्ट मेड लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वॉइस राय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब एक्ट ऑफ 1858 पारित हुआ तो क्या हुआ, इस इफेक्ट से, इस एक्ट के इफेक्ट से लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस राय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। वॉइस राय क्या होते हैं, बता चुकी हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अनलाइक सम ऑफ हिज प्रेडिकेशंस ही ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलेशन विद द इंडियन प्रिंसेस। ओके, जब वो बनते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो उनके गवर्नर जनरल थे उस उनके समय उनके जैसा न बनकर के उन्होंने यहाँ के जो रजवाड़े थे उनके साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। एंड देखिए आगे चलकर अभी आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से कैनिंग के ही ड्यूरेशन में जो प्रिंसली स्टेट को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में लैप कर लिया जाता था, लैप्स कर लेते थे, अपने हाथ में ले लेते थे संतान नहीं होने पर या बहुत सारे एक्सक्यूजेज लगा करके, तो ये प्रथा भी इसी समय समाप्त हुआ था। ये टाइम पीरियड किसका था, लॉर्ड कैनिंग का। नेक्स्ट पॉइंट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यूरिंग कैनिंग रूल ऑफ इंडिया।
जो रिवोल्ट हुआ था 56 में, देखिए वो चाह संभालते हैं 28 फरवरी 1856 को चाह संभालते हैं। 1857 में रिवोल्ट होता है। ओके, ड्यूरिंग द रिबेलियन और एट ओध, ओध मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है, अवध है। ओके, अवध, ही सरेंडर्ड द लैंड्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड एंगरिंग मेनी ब्रिटिश पीपल एट द टाइम। जब अवध में यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था तो उन्होंने कई जो प्रांत थे उनको जमीन वापस कर दिए थे, एंड जिससे कि काफ़ी जो ब्रिटिश लोग थे वो उनसे नाराज़ भी हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी गुस्सा भी आया था उन लोगों को। आफ्टर द रिबेलियन द रेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया मूव्ड ऑन फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जब ये रिवोल्ट हुआ उसके बाद क्या होता है, ये ब्रिटिश क्राउन को जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। अब अगला वर्ड देख लेते हैं कि एज अ वॉइस राय ही एलिमिनेटेड, अभी मैंने इसी टॉपिक को आपसे बताया था कि एज वॉइस राय ही एलिमिनेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा, अपहरण का सिद्धांत, व्यापहरण का सिद्धांत, राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये आप थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एज अ वॉइस राय उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जो राज्य हड़पने की नीति थी इसको समाप्त कर दिया। Also indicated that there would be no further extension of territories. अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था किसके शासनकाल में, प्रशासनिक अवधि में ख़त्म किया गया, लॉर्ड कैनिंग की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। दिस डिसीजन वॉज मेड बिकॉज द मिलिट्री वॉज कॉज्ड ड्यू टू अमॉन्ग अदर फैक्टर्स रिजेंटमेंट अमॉन्ग द इंडियन प्रिंसेस हु वर deprived of their kingdom. क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो काफ़ी नाराज़ थे इन चीज़ों से, क्योंकि उनके स्टेट को हड़प लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये वजह थी जिससे कि जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ज़रूरी समझा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, द वाइसराय काउंसिल वॉज नाउ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब जो वाइसराय की काउंसिल है उसे क्या माना जाएगा, अब वो क्या है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, दिस काउंसिल कंप्राइज ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस स्ट्रीम लाइक फाइनेंस, लॉ, डिफेंस इटीसी, एंड द काउंसिल वॉज रिमेंबर्ड एज द कैनिंग मॉडल ऑफ बिजनेस। अब क्या है कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है और इस काउंसिल में कौन कौन से हैं मेम्बर्स जो हैं वो कई क्षेत्रों से हैं, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र हुआ, विधिक है, सुरक्षा है, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, कैनिंग मॉडल ऑफ बिजनेस। द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड कमेंस्ड ड्यूरिंग द रूल ओवर इंडिया। ओके, तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस एंड हुआ था और कमेंस्ड ड्यूरिंग हिज रूल ओवर इंडिया, कैनिंग के ही टाइम पीरियड में ये भी चीज़ें हुई। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, ऑल्सो द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 एंड द इंडियन पीनल कोड 1862 वर पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जिसको मैं अभी आगे ब्रीफ में आपको समझाऊंगी भी कि कैनिंग के ही टाइम पीरियड में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुआ, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और इंडियन पीनल कोड जो है वो पास हुआ था। ये चारों जो आपको एक्ट दिख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड मैंने इसी लेक्चर वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तो पहला देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है, ये आप लोगों ने 1858 का जब एक्ट पढ़ा था मैं उसमें आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे, एक साथ पावर ट्रांसफ़र का जो की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हुई थी, बल्कि जो गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्य बढ़ाए गए थे वो 61 में जो पारित हुए थे, एक्ट जो पारित हुआ था उस समय परिषद के जो सदस्य थे उनको बढ़ाने और कुछ जो चेंजेस थे नियम में उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी बताया, यहाँ थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। तो फॉर द क्या हुआ था
इंडियन काउंसिल एक्ट में देखिए पहला क्या है, फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल अ फिफ्थ मेंबर वॉज एडेड। अब तक क्या था कि फोर मेंबर, देयर वर फोर मेंबर इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, पहले कितने, चार। और किस एक्ट से जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल में पांचवा सदस्य ऐड किया गया, तो आंसर क्या आप देंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ देयर वर फाइव मेंबर्स फॉर होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। क्लियर हुआ, ये भी देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने के लिए, किस किस चीज़ के लिए है, फाइव मेंबर्स हैं, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। अ सिक्स्थ मेंबर फॉर पब्लिक वर्क वॉज एडेड इन 1874। तो 61 का जो एक्ट था उसमें पांचवां सदस्य जो था वो इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। इन दिस सिस्टम ईच मेंबर वॉज असाइंड अ पोर्टफोलियो ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही पोर्टफोलियो सिस्टम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई पूछता है, पॉइंट है कि अगर कोई पूछता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम, व्हेन वाज द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस, कब हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन, तो एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज एनलार्ज्ड। नाउ देयर वर टू बी बिटवीन 6 and 12 एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर जनरल। अब क्या है कि जो एडिशनल मेंबर्स है, जो अतिरिक्त संख्या है सदस्यों की, वो विधायिका में अब कितने सदस्य हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल में अब 6 से 12 उनकी संख्या कर दी गई, ठीक है। अब कितनी संख्या बना दी गई, 6 से 12, ठीक है, मिनिमम 6 और अधिकतम 12। देयर वर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, बट ऑफ दीज एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल, ठीक है, ब्रिटिश या इंडियन होने चाहिए। दियर फंक्शंस वर कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेजर्स। ओके, मतलब क्या है कि देयर वर अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, एंड जो उनमें से क्या होंगे, जो हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन ऑफिशियल होंगे, ब्रिटिश हो या इंडियन हो वो नॉन ऑफिशियल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 Indians to the council in 1862, namely the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. देखिए important ये topic point है कि किसको किया गया था council में, उन्होंने अभी देखिए यहाँ पे क्या है, non official जो Indian लोगों को council में जो additional member के रूप में ला सकते हैं, 3 लोगों का नाम उन्होंने nominated किया था। और ज़रा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, तो ये तीनों नाम आपको इन फेवर ऑफ ब्रिटिश रूल वाइल टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 नज़र आएंगे। बनारस के राजा, ये भी 1857 के रिवोल्ट में जो रिबेलियन थे इनके साथ नहीं थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ दिया। महाराजा ऑफ पटियाला ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, एंड सर दिनकर राव ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो एक रिवॉर्ड के तौर पर इनको काउंसिल में 1862 में नॉमिनेटेड किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू ऑफ डेट, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर्स कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द गवर्नर जनरल असेंट। देखिए ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो बिल जो कि मिलिट्री से या धार्मिक हो या विदेशी मामला हो, ये कब तक पास नहीं हो सकता, जब तक कि गवर्नर जनरल की हामी नहीं होती है। नेक्स्ट, द वॉइस राय हैड द पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। वॉइस राय अगर कोई भी जो पावर है उसको ओवर रूल करने का पावर रखता है, किसी भी पावर को ओवर रूल करने, काउंसिल का कोई भी जो पावर है उसको ओवर रूल करने की अथॉरिटी उसके पास है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास्ड बाई द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। देखिए ये किसके लिए जा रही है अधिकारिता, ये जा रही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। क्या है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, जो ब्रिटेन में है, भारत सचिवालय में भारत सचिव, वो भी डिसॉल्व कर सकता है किसी भी एक्ट को जो कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने पास किया है, उस
एक्ट, पारित हुए एक्ट को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये अधिकार किसको है? ये अधिकार मिला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और किसके टाइम पीरियड में अधिकार मिला था? ये मिला था कैनिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये एक्ट जो था वही 1858 के एक्ट में, जिसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर वीडियो में। यहाँ न्यू पॉइंट और देखते हैं। दिस एक्ट, सॉरी, ये जो एक्ट बना था ये 1861 में, और इसको हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा है। यहाँ मैं थोड़ा सा सुधार करूँगी। अभी जो मैंने बोला 1858 नहीं, 1861 में ये अधिकार दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट, दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विच वॉज टेकन अवे बाई द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 के पास होने के समय जो अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर, जो विधायिका बनाने का अधिकार प्रेसिडेंसीज, जो मद्रास की और बम्बई की प्रेसिडेंसीज थी उनसे ले ली गई थी, उसको फिर से रिस्टोर किया गया, उसको फिर से वापस किया गया, दिया गया किसको? गवर्नर इन काउंसिल को। क्या बनाने का अधिकार? विधायिका, लेजिस्लेटिव पावर। ओके, नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकटा हैड एक्सटेंसिव पावर टू पास लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कलकत्ता की, उसके पास पावर है, एक्सटेंसिव पावर है, किस चीज़ के लिए? लॉ पास करने के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया में लॉ पास करने का उसको अधिकार मिलता है। ये सब कुछ क्या है? ये भारतीय परिषद अधिनियम इसके अंडर में है। कब हुआ था ये? 1861 में। नेक्स्ट, देयर वॉज प्रोविजंस मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस। न्यू प्रोविंस provinces could also be created for legislative purpose and linguate governor be appointed for them. Legislative council were formed in other provinces in Bengal 1862, Northwest Frontier provinces in 1886 and Punjab and Burma in 1897. अब देखिए क्या है, यहाँ पता क्या रहा है कि बंगाल में 1862 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहाँ पर 1886 में, और पंजाब और वर्मा में 1897 में यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म किया गया। कहाँ पर? अदर प्रोविंसेस में, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड में दूसरा एक एक्ट जो पारित हुआ, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, उसको हम देख लेते हैं। तो द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट मेंशन्ड दैट बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश वर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू any of the office except convented civil service which was reserved for the British, okay? देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है, इसमें मैंशन किया गया कि इंडियन और ब्रिटिश दोनों एलिजिबल हैं कहाँ के लिए? अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द ऑफिसेज, किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए दोनों बराबर रूप से योग्य हैं सिवाय एक के। कौन सा? कन्वेंटेड सिविल सर्विस विच वॉज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। अभी भी सिविल सर्विस वो किसके लिए रिजर्व है? वो रिजर्व है ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसके अलावा अगर किसी भी ऑफिस में एलिजिबल माने जाएंगे ब्रिटिश और इंडियन पैरेलल, ओके, बराबर में। नेक्स्ट क्या है, द सिविल सर्विस एक्ट 1861 लेड डाउन दैट एनी पर्सन वेदर इंडियन और यूरोपियन कुड बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफ द ऑफिस, ओके। द सिविल सर्विस एक्ट, जो सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ था 1861 में, इसमें कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, वो किसी भी ऑफिस में अपॉइंटेड किया जा सकता है। और स्पेसिफाइड किया गया इसमें कि शेड्यूल, जो स्पेसिफाइड किया गया इसका शेड्यूल, एंड प्रोवाइडेड दैट ही हैड रिसाइडेड फॉर मिनिमम ऑफ 7 years इन इंडिया, वो 7 सालों के लिए निम्न जो सबसे कम समय जो रहेगा, मिनिमम 7 सालों के लिए इंडिया में रह सकते हैं। द पर्सन हैड टू पास एन एग्जाम इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही वॉज एम्प्लॉयड। तो देखिए, द पर्सन हैड टू पास एन एग्जाम इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। देखिए, वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या है? स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि उस एरिया में रहने वाले लोग बोलते हैं। तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो स्पेशली उस एरिया में रहने वाले लैंग्वेज होती है, जो बोलते हैं लोग। तो पर्सन को क्या करना है? हैड टू पास एन एग्जाम इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में
व्यक्ति को एग्ज़ाम पास करना होगा उस जिले में जहाँ पर कि वो एम्प्लॉई है, ठीक है, जहाँ पर वो कार्य कर रहा है वहाँ की स्थानीय भाषा में व्यक्ति को एग्ज़ाम पास करना होगा। क्यों? ताकि वो स्थानीय लोगों के साथ अपने संपर्क को बढ़ा सके, उनसे मेलजोल स्थापित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज ऑल्सो मेड अ सब्जेक्ट टू डिपार्टमेंटल टेस्ट ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल अपॉइंटमेंट्स वर नाउ टू बी रिपोर्टेड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अनलेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अप्रूव्स विद इन 12 मंथ वर डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, यहाँ क्या है कि सभी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किसको किए जाएंगे, वो किए जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ओके, एंड जब तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अप्रूव करता है इसको 12 महीने के अंदर, ये जो है जब करेंगे इसको अप्रूव तब ये वॉइड जो है इसको वैलिड माना जाएगा। जब तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको पारित इसको अप्रूव नहीं करते हैं ये मान्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कुड नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ बाय एनी एजुकेटेड इंडियन टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सिविल सर्विस फर्दर रिफॉर्म्स वर मेड लेटर। देखिए, इन्होंने सिविल सर्विस एक्ट पारित तो किया लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा लाभकारी इंडियंस के लिए नहीं हुआ, जब तक कि बाद में चलकर इस मामले में और सुधार नहीं किए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट सुधार जो है वो हम लोग अगले टॉपिक जो हमारा आएगा वहाँ देखेंगे, यहाँ इतने इस टॉपिक के अंदर अभी इतनी ही जानकारी। नेक्स्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी है 1861 में, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंदर में क्या क्या है ये देख लीजिए, पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें आपके कई जो मेन क्वेश्चंस हैं ये इसमें पुटअप हो सकते हैं। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 वॉज एन एक्ट ऑथराइज द क्राउन टू इस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिए कि 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम था इसमें जो क्राउन है जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने की अधिकारी हो जाती है। किस एक्ट में? 1861 में। दिस एक्ट क्रिएटेड द हाई कोर्ट्स इन कैलकटा मद्रास एंड बॉम्बे, और इसी एक्ट के अंदर में कैलकटा मद्रास एंड बॉम्बे, देखिए मद्रास जो है ये ही आज का चेन्नई है और जो ये बॉम्बे है यही आज की मुंबई है, कैलकटा जो है वो भी कोलकाता बन गया है, मद्रास चेन्नई बन चुका है एंड बॉम्बे जो है वो मुंबई बन गया है। तो यहाँ आप नाम को लेकर कंफ्यूज ना हो, यानी आज के समय में कोलकाता चेन्नई एंड मुंबई इन तीनों जगह हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। द एक्ट वॉज पास, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है ये चीज़ कि पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर में सबसे पहली बार हाई कोर्ट्स कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, तो तीन जगह पे, कोलकाता मद्रास एंड बम्बई। अब नेक्स्ट, द एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एंड मर्ज द पैरलर लीगल एंड जस्टिस सिस्टम ऑफ द क्राउन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये एक्ट पास हुआ था कब पास हुआ, ये पास हुआ था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसी के बाद, और ये क्या था इसमें मर्ज क्या क्या था इसमें, पैरलर लीगल एंड जस्टिस सिस्टम, जो लॉ की चीज जो विधिक और जो न्यायिक सिस्टम थी, ठीक है, न्यायिक तंत्र थे क्राउन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर में, ठीक है। एंड The Indian High Court Bill was moved by the Secretary of State Sir Charles Wood on 6th June 1861 and was passed on 6th August 1861. बहुत important point है, ध्यान रखिएगा इसको। Indian High Court Bill passed moved by the Secretary of State, कौन? Sir Charles Wood, नाम याद रखिएगा Sir Charles Wood, and कब? On 6th June 1861. एंड पास कब हुआ? 6th अगस्त 1861। तो ये 1861 का जो टाइम पीरियड था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे एक्ट पारित हुए थे जिनमें से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी था। द एक्ट कंसीडर्ड ऑफ 19 सेक्शंस, एक्ट में जो 19 धाराओं के को विचारित किया गया था। इट डिसॉल्व ऑल द एग्जिस्टिंग कोर्ट्स लोकेटेड एट कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे। जब इंडियन हाई कोर्ट बना तो उस समय की जो अदालतें थी उनको ख़त्म कर दिया गया था। ईच हाई कोर्ट
would consist of a chief justice and up to 15 judges. देखिए अब ये क्या है, अभी तक आपने कोर्ट की ऑथराइज पढ़ी कि कोर्ट कब बना, किस एक्ट के अंदर में बना. अब कॉम्पोजिशन देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे है, मतलब बना कैसे ये. तो प्रत्येक जो हाई कोर्ट था उसमें एक चीफ जस्टिस होगा एंड 15 तक जो संख्या है वो 15 जज तक इसमें अपॉइंटेड होंगे. द जजेस कुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम बैरिस्टर्स. ठीक है, अब इसमें देखिए योग्यता क्या दी गई है कि जो सेलेक्टेड होंगे उनमें या तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा बैरिस्टर के तौर पे, या 10 साल का एक्सपीरियंस उनको होगा इंक्लूडिंग 3 ईयर्स एज अ ज़िला जज, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उनको 3 साल का उनको एक्सपीरियंस हो, या वो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स जो हैं उनमें से हों. जजेस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट जैसे कि 5 साल का उनको एक्सपीरियंस हो, और प्लीडर्स ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्लीडर. ठीक है, तो ये योग्यता देखिए जो, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इनकी योग्यताएँ थी जजेस की, जिनको की जो चुने जाएंगे जज उनकी क्या योग्यता होगी. द चीफ जस्टिस एंड मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ रेगुलर जजेस वर टू बी बैरिस्टर्स एंड मिनिमम ऑफ 1/3 रेगुलर जजेस वर टू बी फ्रॉम द सिविल सर्विस. जो चीफ जस्टिस हैं एंड 1/3 जो रेगुलर जज हैं वो कहाँ से होंगे, बैरिस्टर्स उनमें से चुने जाएंगे, एंड 1/3 जो रेगुलर जजेस हैं वो कहाँ से, वो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी रहेंगे उनसे चुने जाएंगे. और जजेस हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द क्राउन. ओके, कब तक ये रहेंगे, देखिए यहाँ पे चुने तो जाएंगे, यहाँ इनकी योग्यता भी बता दी गई, लेकिन इनका टाइम कब तक होगा, इनका टेन्योर तब तक होगा जब तक कि क्राउन अपनी सहमति देता है, मतलब जब तक क्राउन खुश है तब तक उसके बाद उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया. द लॉ विच द हाई कोर्ट अप्लाइड वॉज द सेम एज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. कौन सी लॉ रहेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में अप्लाइड है, कौन सी, एज एन एग्जाम्पल इंग्लिश लॉ. ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रीवियसली हिंदू लॉ, देन इन मेडिवल एज मुस्लिम लॉ, एंड इन ब्रिटिश एज इंग्लिश लॉ, यही यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था. नेक्स्ट, द हाई कोर्ट वर ऑल्सो परमिटेड टू यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्वलिटी एंड गुड कॉन्सिक्वेंस ऑन द एप्लीकेट साइड. हाई कोर्ट का भी ये माना गया कि परमिट किया कि इसको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के जो उसूल थे, जो न्याय के क्षेत्र थे, जो बराबरी न्याय और समता, इनको एप्लीकेट करने की बात की गई थी. इन क्रिमिनल लॉ इट फॉलोड द इंडियन पीनल कोड. जो क्रिमिनल लॉ में ये किसको फॉलो करता था, इंडियन पीनल कोड 1860, एंड द हाई कोर्ट्स फॉलोड सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स. जो हाई कोर्ट्स जो थे वो फॉलो करते थे इसको, उनमें कौन कौन सी सुनवाई हो रही है, सिविल एंड क्रिमिनल कोड, ध्यान रखिएगा इसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, इंडियन पीनल कोड 1862. द इंडियन इनिशियल स्केच ऑफ द इंडियन पीनल कोड वॉज ड्रॉन बाय लॉर्ड मैकाले इन 1830s. पीनल कोड का देखिए शुरुआत जो हुई, ध्यान रखिएगा इसको, पीनल कोड की शुरुआत लॉर्ड मैकाले जिनको कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा के लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी माना गया था, तो उन्होंने ही जो एक ड्रॉ किया था वो लाया गया था 1830 में लॉर्ड मैकाले की तरफ से, बट इट वॉज फाइनली ड्राफ्टेड इन 1830 में. देखिए ये ड्रॉ किया गया था बट ड्राफ्ट कब हो रहा है, 1860 में, एंड कम इन टू फोर्स ऑन 1862. ओके, देखिए इसके बारे में विचार लॉर्ड मैकाले द्वारा ये लाया गया, बट फाइनली ड्राफ्ट कब हो रहा है, 1860 में, एंड इसको इनैक्ट कब किया गया, 1862 में. प्रायर टू दैट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर was ready in 1861. Okay, next, Indian Penal Code was inherited by Pakistan after separation and was later named Pakistan Penal Code. जो ये Indian Penal Code बना था इसी को बाद में Pakistan Penal Code के रूप में इसे adopt कर लिया गया. The same was adopted by Bangladesh also. ये देखिए important है, ये आपके GK के लिए भी बहुत important point है. It was also adopted in almost all the British colonies of Asia such as Burma, Sri Lanka, Malaysia, Singapore and Brunei. Before 1860, देखिए यहाँ पे ये point क्या है, बहुत simple है.
कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहाँ पे बांग्लादेश साथ में ब्रिटिश जो कॉलोनीज थे जैसे एशिया में बर्मा है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर एंड ब्रुनेई, इन सभी जगह इंडियन पिनल कोड जो उस समय बनाया गया उसी को लागू किया जाता है। बिफोर 1860 द बेसिस ऑफ द जस्टिस वॉज द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। इस एक्ट के पहले जो पिनल कोड बना था इसके पहले इंग्लिश क्रिमिनल लॉ यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेजी आपराधिक विधि, ये इंग्लिश आपराधिक विधि जो थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती थी एंड वॉज एडमिनिस्टर्ड इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जो ये लागू होता था कहाँ पे? प्रेसिडेंसी टाउन में, कहाँ पे? मुंबई में, कलकत्ता में एंड मद्रास में। तो ये आपके जो एक्ट थे, जो कोड पास हुआ था एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग, ये आपने देखा। अब चलिए देखते हैं कैनिंग के लिए और क्या क्या कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। कैनिंग ऑल्सो इनिशिएटेड सम रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर एंड आर्मी। आर्मी और एग्रीकल्चर में भी लॉर्ड कैनिंग ने एज अ वॉइस राय उस समय सुधार किए थे। ही वॉज पॉपुलरली निकनेम एज क्लेमेंसी कैनिंग बाय द ब्रिटिश फॉर हिज पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन टुवर्ड्स इंडियन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनको क्लेमेंसी कैनिंग कहा जाता था, ओके। और ये किस लिए था? उनके टॉलरेटिंग के लिए, पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन किसके लिए? इंडिया के, इंडियंस के लिए। कब? आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के बाद उनको ये टाइटल उनके पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन पे दिया गया था। ही लेफ्ट ऑफिस ऑफ इंडिया इन मार्च 1862 के मार्च में वो अपना ऑफिस छोड़ते हैं। रिटर्न टू इंग्लैंड एंड एक्सपायर्ड इन जून 1862। जब वो अपने जब अपने वो घर लौटते हैं यहाँ से, वहीं उनकी 1862 में डेथ होती है। ही वॉज सक्सीडेड एंड कॉल एज वॉइसराय ऑफ ऑल ऑफ एल्गिन। और उनके बाद भारत में अगले जो वॉइसराय बनते हैं वो लॉर्ड एल्गिन बनते हैं। लॉर्ड एल्गिन के बारे में हम अपने जो टॉपिक होगा एल्गिन का उस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको एक अच्छा नोट प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ को ध्यान से पढ़िए और नोट करिए, क्योंकि लेक्चर एंड दिस नोट विल हेल्प यू टू मेक अ गुड नोट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, ओके। सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर, लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। इस लेक्चर को देखने के, सुनने के बाद, नोट्स तैयार करने के बाद जो आपको होमवर्क दिया गया वो होमवर्क करके असाइनमेंट जो है अपना वो अपलोड करें। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।